कॉन्ट्रोवर्सी एक बार दोबारा से हो गई है, उनको नोटिस तक भेजा गया है, तो इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पे आप क्या कहेंगे? उनका पार्टिसिपेशन और जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उसके बाद भी उनका जो पार्टिसिपेशन है, क्या बिग बॉस को एक कॉन्ट्रोवर्सी के तौर पर एक हाइप देने के लिए जानबूझ किया जा रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन गलत है? नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ये अक्यूज किया गया है किसने किया है, तो उन्होंने कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं किया, मीडिया में क्यों जा रहे? मैं अगर मेरे साथ कुछ होता तो मैं कोर्ट में जाती हूँ, पुलिस स्टेशन जाती हूँ। आप मीडिया में बैठ के, मीडिया बुला के मेरे साथ ये हुआ वो हुआ हुआ, मीडिया क्या कर लेगी? आप बताइए मीडिया के पास क्या प्रूफ है? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कोर्ट कचहरी जाइए। और आरोप लगाए गए, अक्यूज़ किया गया, गुनहगार ठहराया नहीं गया। आप बताइए अगर साजिद खान को गुनहगार ठहराया जाता तो सबसे पहले चप्पल मैं ही मारता। उस बंदे ने बोला ही नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर वो एक बार, इसलिए मैं बिग बॉस जाना चाहती हूँ, बिग बॉस जाके मैं खुद पूछूंगी कि भाई साजिद भाई, क्या आपने इन इन लड़कियों के साथ ऐसा किया है? अगर वो कहते कि हाँ भाई मेरी गलती हो गई है, तो लोग जो है, देश की जनता अपना गुस्सा दिखा सकती है और वाजिब है। लेकिन आप एक आदमी पर जब आपका उसका कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में गुना उसका जो अक्यूज नहीं हुआ है, मतलब दोषी साबित नहीं हुआ है, और आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, क्योंकि वो एक बंदा दुनिया का, मैं बोलती इंडिया का नंबर वन शो बिग बॉस में गया है, तो उनको लगता है कि हम इनके नाम से पब्लिसिटी खा जाएंगे, पब्लिसिटी गेन कर लेंगे। ये लोग एक साल सो जाते हैं, चार साल सो गए थे लोग, चार साल तक सो रहे थे। कुंभकर्ण के खानदान के हैं ये, क्या ये कुंभकर्ण के खानदान के हैं? ये चार साल सो रहे थे, आप मुझे बताइए। तो अभी ये बिग बॉस गया है तो अब ये एक 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 बाहर आके उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोर्ट ने पुलिस के पास एक जो जुडिशियल प्रोसेस होता है उसको ना फॉलो करके मीडिया ट्रायल करके बदनाम करने की कोशिश कर रही है? ये मीडिया ट्रायल करके पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, और साजिद खान को एक शो मिला है बड़ा, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट कचहरी जाइए, है ना, कोर्ट कचहरी जाएगी तो ये आग डबल ट्रिपल ट्रिपल होगी। मैं भी चप्पल लेके रेडी रहूँगी साजिद खान को मारने के लिए, कि अगर सचमुच अगर कोर्ट ने बोला कि वो दोषी है, अगर वो बंदा दोषी नहीं है तो मैं एक महिला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको आरोप लगाऊँ। झूठा आरोप तो मैंने लगाना ज़िंदगी में सीखा ही नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी मैं अकेले साजिद खान को सपोर्ट इसलिए करूँगी कि अभी तक उनका गुना जो है चार साल से साबित हुआ नहीं है, चार साल से उनका करियर तबाह हो गया है, कोई फिल्म उन्होंने करी नहीं है। ही वॉज इन अ डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ट्विटर हर जगह बबल हुआ, रहे मेरे साथ ऐसा हुआ तो पूरा देश निकल पड़ता है मोमबत्ती लेकर। अरे वो मोमबत्ती आप साजिद खान की भी तो सुनो, एक तरफ ताली दो हाथ से बजती है। अभी साजिद खान का तो बयान नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज उसको अंदर उनको पता भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद कल का दिन वो बाहर आके जब सफाई देंगे, हो सकता है कि उनका कुछ दोषी ना हो। एक बात बताइए, बोल रही है राखी जाएगी, जाके पूछेगी, समझेगी चीज़ों को, तो बता भी सकेगी ना क्या है किधर है। मैं आपको साफ बताती हूँ, जिन जिन लड़कियों ने दोष लगाया है आप उनका बैकग्राउंड देखिए, निवस्त्र इनका फोटोशूट देख, इनको फिल्म पाने के लिए मैं एक किसी का भी साथ नहीं, साजिद खान मेरा भाई, मेरा खानदान का कुछ नहीं लगता, मैं सिर्फ न्याय की बात करती हूँ कि उनका बैकग्राउंड देख, ये फिल्म पाने के लिए कितने हद तक क्या क्या करती है, या आप मीडिया वाले हैं आप देखिए। वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी पे कोई दोष नहीं लगा रही है, किसी पे कुछ नहीं लगा रही हूँ। आप खुद सामने से जब बोलते हैं एक मैसेज कि सर मैं ये करने को तैयार हूँ, सर मैं ये करने को तैयार हूँ, मुझे एक रोल दे दीजिए, और उसी फ़ोन पर आप अपना मैसेज डिलीट कर देते हैं, अब अगला बंदा राज़ी हो जाता है, वो भी मैं उनको लगता है अरे ये मुझे खुद मैसेज करती है, आप भी इंसान है कि नहीं, तो किसी का करियर तबाह करने का किसी को अधिकार नहीं। तो आपका ये कहना है कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जैसे शर्लिन चोपड़ा आरोप लगा रही हैं,
केवल जो है आरोप लगा देना ये मतलब नहीं कि जिसके ऊपर आरोप लगा दिया वो आरोप सिद्ध हो गया, वो दोषी हो गया। देखिए, मैं सारी मीडिया बुला के अभी चार वकील को बिठा के पब्लिसिटी स्टंट कर दूंगी, है ना, इसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। तुम कोर्ट कचहरी में वीडियो फोन ये मैसेजेस नहीं चलते, वहाँ पर ईश्वर हर वक्त नीचे नहीं आ सकते, अल्लाह ईश्वर परमेश्वर, इसलिए कोर्ट कचहरी बनाया है हर इंसान के गुनाहों को न्याय दिलाने के लिए। अगर बहनों आपके साथ गलत हुआ है आप कोर्ट कचहरी में जाइए, मीडिया ट्रायल करके झूठी पब्लिसिटी क्यों पा रही है। और राखी सिंपल चीज़ पूछ रही, उनके साइड भी तो सुना, भी देखो जो ना भी उनके जिसने भी उनके ऊपर आरोप लगाया है उनको भी एक बार पूछो, साजिद को भी इसके बारे में तुम्हारा क्या बोलना है। साजिद अभी अंदर है, एक बंदा अगर जेल में है, पिक्चर आप बाहर इतने भी कितना भी भोंकेंगे इसका मतलब नहीं है। वो एक बड़े रियलिटी शो में गया है तो ये सब मुर्दे हैं मेरे लिए। ये जो लड़कियां हैं, ये जो आवाज़ झूठा झूठा बोल रही है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई या मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मुर्दे हैं, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं बिना मतलब के, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ वो मेरी बहनें हैं, अगर आपके साथ सचमुच गलत हुआ है आप कोर्ट कचहरी जाइए और उसको फांसी की सज़ा दिलाइए, लेकिन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ आप मीडिया का ट्रायल ले रही है और पब्लिसिटी पा रही है। नहीं तो एटलीस्ट राखी के पास पहुंचे। नहीं, मेरे पास मत पहुंचो। मैं जो बेकसूर है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो खुदा ने मुझे बनाया, जो बेकसूर है उसको साथ देने के लिए। अगर वो कहीं कसूरवार है, कोर्ट उसे कसूरवार ठहराता है तो मैं भी चप्पल लेके खड़ी हूँ, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ ये नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। मेरा